हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोदक, मामा मोदक बनाएंगे, फ्राई मोदक। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। आज संकट चौथ है, उसी पे मैंने गणेश भगवान के प्रसाद के लिए मोदक बनाया है। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, पैकेट वाला दूध है। एक उबाल आने तक मैंने उबाला है, अच्छे से उबाल लिया है। दूध को मैंने गाढ़ा कर दिया है, लमसम दूध आधा हो गया है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा करना है और चलाते ही रहना है, चलाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा मावा चल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मावा तैयार हो गया है। एक अलग बर्तन प्लेट में निकाल लेंगे, इसको 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जब तक ठंडा हमारा मावा हो रहा है, तब तक हम दूध तैयार करेंगे। मैंने 200 मैदा लिया है, 200 ग्राम मैदा लिया है और उसमें आधी कड़छी तेल लेके रिफाइंड ऑयल है, अच्छे से दोनों हाथों से मसलते हुए हमने उसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है, मैदा और तेल को अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी हमारा मोदक है वो अच्छे से खस्ता होगा और खाने में अच्छा लगेगा। और थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हम इसको दूध तैयार करेंगे। थोड़ी थोड़ी ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी डालकर हम अच्छे से दूध को तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम कम पानी लेकर दूध लगा रही हूँ, वैसे ही लेके लगाना है। और अच्छे से जैसे हम घर पे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसे इसको गूंथना है, अच्छे से गूंथ लेना है। सॉफ्ट डो बना तैयार करना है हमको, ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज नहीं करना है, एकदम मीडियम डो तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा डो तैयार हो गया है हमारा। एक कपड़े से लेकर उसको 10 से 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तब तक हमारा मावा भी ठंडा हो गया है। इसमें मैंने चीनी 6 स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके हमारा मावा भी तैयार। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मोदक को तैयार किया है, फील करके भरा है, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है और मैंने उसको सूट नहीं कर पाई हूँ। मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि आपको सूट करके दिखाऊँ। आप देखिए, मैंने मोदक को तैयार कर लिया है और फ्राई किया है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और देखिए हमारा मोदक कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। मैंने थोड़ी सी केसर की धागे उस पर रखा है डेकोरेशन के लिए, आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।